टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कैंसर कीमोथेरेपी तो आज के इस वीडियो के अंदर कैंसर कीमोथेरेपी को कवर करने वाले हैं कैंसर कीमोथेरेपी वाले चैप्टर के अंदर आपने कैंसर सेल की काइनेटिक्स को स्टडी करना है कीमोथेरेपी के अंदर क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए इसको स्टडी करना है प्रॉपर फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करना है कैंसर तो सेल की कैनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो कैंसर सेल की कनेटिक्स के अंदर सेल साइकिल देखनी है कैंसर सेल के किस हाइपोथेसिस को हमने पढ़ना है किल हाइपोथेसिस क्या होता है और एंटी कैंसर ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस किस तरह से आती है वो कौन से छह मैकेनिज्म होते हैं उसमें डीएनए रिपेयर है ट्रैपिंग एजेंट है टारगेट एंजाइम में चेंज आ जाना या प्रोड्रग की एक्टिवेशन कम हो जाना या फिर एंटी कैंसर ड्रग की इनएक्टिवेशन कर देना या ड्रग की एकोमुलेशन कम कर देना जबकि स्ट्रेटजीज के अंदर ट्रीटमेंट मोडलिटीज हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्बिनेशन है और रेस्क्यू रेस्क्योथेरापी है जबकि प्रॉपर फार्माकोलॉजी के अंदर जो एंटी कैंसर ड्रग होती है या कैंसर कीमोथेरापी है हम इसको छह कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं अल्काइटिंग एजेंट एंटी मेटाबोलाइट नेचुरल प्रोडक्ट एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक मिसलेनियस और हार्मोनल एंटी कैंसर जो अकाइलेटिंग एजेंट होते हैं अल्काइटिंग एजेंट को मजद पांच कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड नाइट्रोसो यूरिया प्लेटिनम एनालॉग्स, अल्काइल सल्फोनेट और अदर्स नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर क्लोरम बीओ आता है साइक्लोफोस्माइड है और मेक्लोरथाम है नाइट्रोसो यूरिया के अंदर कार्मियोस्टीन और लोमोस्टीन है प्लाटिनम एनोलॉग्स के अंदर प्लाटीन कार्बो प्लाटीन और रोकजाली प्लाटीन है अल्कायल सल्फोनेट के अंदर बोसल्फिन है जबकि अदर्स के अंदर प्रोकार्बोजीन और डार कार्बोजीन है एंटीमेटाप्लाइट के अंदर फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है जिसमें मेथोट्रेक्सेट है प्योरी एंटागोनिस्ट है जिसमें सिक्स मार्केप्टो प्यूरिन और पेरामडीन एंटागोनिस्ट के अंदर फाइव फ्लोर यूरासिल सिटाराबीन और जैम सिटाबिन आता है नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर चार क्लास आती है विनकालसिन कैम्टोथेसिन और टेक्सेंस जो विनकल के है इसमें विन ब्लास्टिन विन है पोडोफाइलोटोक्सिन के अंदर एटीपोसाइड, टेनिपोसाइट है जबकि कैम्टोथेसिन के अंदर टोपोटिकान, रिनोटिकॉन है टेक्सेंस के अंदर पैकेटिल और डोसिटेक्सिल है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक के अंदर एंथ्रासाइक्लिन है और अदर कैटेगरी है एंथ्रासाइक्लिन के अंदर डॉक्सोरोबाइसिन डोनोरोबाइसिन इडारोबाइसिन एपीरोबाइसिन और माइटोजेंट्रोन है जबकि अदर्स के अंदर बिलियोमाइसिन और माइटोमाइसिन है मिसलेनियस वाली कैटेगरी के अंदर टायरोसिन काइनेस इनिबेटर है और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनिवेटर होती है टायरोसिन काइनेस इनिबेटर के अंदर इमाटिनिप डोसर टिनिब है नीला टिनिब है बोसर टिनिब है सोरा फिनिब है लेकिन इन सबके लास्ट में टिनेब आ रहा है जो कि टैनोसिन काबेटर को इंडिकेट करेगा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर ट्रस्टो जुमाप सेटोक्सुमाप और जैफिटिनाब है जबकि वेस्कुलर एंटोथिकल एंडुर, ग्रोथ फैक्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट आपने पढ़ना है वो बिवैसी जुमाब है ठीक है प्रोटीसोम के अंदर बोटीजोमिब है और लैरफिल जोमिब होता है हार्मोनल एंटी कैंसर के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जिसमें प्रेडनिसोन पेडनीसोलोन है गोनेडल हार्मोन इनहिबिटर जिसमें टोमैक्सोफिन टोर्मेफी है और फ्लोटामाइड है जी एन आर ए चैनल इसमें लियोपुराइड गोसलिन और नैफेअलिन है एरोमेटिकस इनहिबिटर के अंदर एनेस्ट्राजोल और लैट्रोजोल आ जाएगा जबकि अदर्स कैटेगरी के, के अंदर रिटोक्सिम है एस्पराजीस है और इंटरफेरॉन्स है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसकी ओके तो स्टार्ट करते हैं अब जो फार्माकोलॉजी है प्रॉपर वो तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर हो इस वीडियो के अंदर हम इतना पार्ट कवर करने वाले हैं कैंसर सेल काइनेटिक्स एंड स्ट्रेटजीज इन द कीमोथेरेपी तो आपने वीडियो को लाइक कर देना

Uh, कहने का मतलब सेल साइकिल के किसी फेज की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी फेज में जाके काम कर सकती है लेकिन जो सेल साइकिल स्पेसिफिक होती है कि, कि किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक फेज के लिए होती है कुछ एम वन फेज पर कुछ एम uh, वन तो होता ही नहीं है एम फेज है जी वन फेज है जी टू फेज है फेस है

कार्बाज़ीन है जबकि एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक में एंथ्रासाइक्लिन है और नाइट्रोसोयूरिया में कार्बियोस्टिन और लिमस्टिन है जबकि एम फेस पे जाके काम करने वाली ये इंपॉर्टेंट है एम फेस को ब्लॉक करने वाली

में सिक्स मार्केप्टोपिरियन और थायोग्वानिन आता है जबकि पिरामिडीन के अंदर फ्लोरो बीना और जैमसिटाबीन आता है नेचुरल प्रोडक्ट में लाइक रिनोटिकॉन टोपोइसम टाइप वन इनिबिटर जबकि एटिपोसाइट टाइप टू ब्लॉकर है ये भी एस फेस के ऊपर जाके काम करते होते हैं तो हमने क्या किया साइकिल कैनिटी के अंदर हमने ये चीज पढ़ ली के सीसीएनएस होता है और सीसीएस होता है अब लोग किल हाइपोथेसिस लॉग किल हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो गिवन एंटी कैंसर ड्रग की डोज होती है वो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को किल करती है ना कांस्टेंट नंबर को प्रोपोर्शन का मतलब कितने ज्यादा सेल प्रोलिफिरेट कर रही है ठीक है तो इस कांस्टेंट फ्रैक्शन को या प्रोपोर्शन को किल करना तो उसको लॉग किल हाइपोथेसिस कहते हैं जो साइरोटॉक्सिक ड्रग होती है फर्स्ट ऑर्डर कानिक को फॉलो करते हैं, यानी जितनी ज्यादा सेल के प्रोलिफिरेट कर रही होगी उतना ज्यादा साइक्रोटॉक्सिटी ज्यादा होगी जो एंटी कैंसर ड्रग है उनके रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म छह होते हैं पहला है डीएनए रिपेयर वाला तो जो डीएनए रिपेयर वाला है अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर है अल्काइलेटिंग एजेंट आप हर एक में अप्लाई कर देना सिवाय दरम्यान वाले दो के जिसमें एंटीमेटाबोलाइट आता है दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ट्रैपिंग एजेंट है बस अगर ऐसा होता है कि जो ट्यूमर होते हैं वो थायोल ट्रैपिंग एजेंट है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लूटाथायोन या उन एंटी कैंसर ड्रग के लिए करते हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिव ग्लूप बनाते हैं फॉर एक्जाम्पल अल्काइलेटिंग एजेंट है बिलियोमाइसिन है सिस्ट है और और एंथ्रासाइक्लिन होती है जबकि टारगेट इंजाइन को मॉडिफाई कर देना तो उसमें डायहाइड्रोफोलिडक्टेस है यानी जो ये जो तीन चीजें आ रही है ये तीन चीजें किसके लिए होती है ये एंटी मेटाबोलाइट के लिए होती है जो लास्ट है ड्रग एक्कोमुलेन वो तकरीबन सब के लिए अप्लाई होता है सबके खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है अब हम चलते हैं रेस्क्यू थेरापी की तरफ जो रेस्क्यू थेरापी होती है उसमें तीन एग्जाम्पल है लिकोवरिन की मैसना की और डेक्स रोजेक्सेन की जो लिकोवरिन होती है मिथोट्रिक्जेट के लिए मैसना होती है साइक्लोफोसोमाइट के लिए और डेक्स रोजक्सेन होती है एंथ्रासाइक्लिन के लिए एंटोक्सोरोबाइसिन के लिए ओके तो जो लिकोवरिन होती है वो मिथोट्रिक्जेट के लिए होती है ठीक हो गया ताकि नॉर्मल सेल एकमुलेट ताकि और जो लिखो होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस वाले स्टेप को बाईपास कर देता है ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो मेथोट्रेक्सेट है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा देता है बोन मैरो के सेल की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है दैट इज व्हाई हम लीकोवरिन देते हैं ताकि नॉर्मल सेल ट्रैप कर ले और नॉर्मल सेल की कंटिन्यू रह सके अब है एंटी कैंसर कम्बिनेशन है यानी हम जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स देते हैं एंटी कैंसर ड्रग उसको कंबाइन करके देते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होती है पहला ये है कि लोकल बढ़ जाता है दूसरा सैनर्जिस्टिक एक्शन है तीसरा साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है हीड्रोजीनस ग्रुप ऑफ कैंसर के ऊपर चौथा रेजिस्टेंस का इमरजेंस कम होता है लाइक एंटी एंटीटोब्रेटिक ड्रग्स है उनको कम्बिनेशन के फॉर्म इसलिए देते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल की तरफ यानी हम किन ड्रग को कम्बिनेशन के फॉर्म में अप्लाई करेंगे उस यानी किन दो ड्रग्स को कम्बिनेशन के लिए देंगे उस केस में जब हम किसी एक इंडिविजुअल ड्रग को कैंसर के खिलाफ दें तो वो एक्टिव होनी चाहिए या फिर जो ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए या फिर दो डो ड्रग्स हैं दो ड्रग्स के दरमियान क्रॉस रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होना चाहिए या फिर इन दोनों ड्रग्स के जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो डिफरेंट होने चाहिए इसके बाद पढ़ लेते हैं कैंसर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ है जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है उसके तीन टाइप की मोडेलिटीज़ है पहला है प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरापी दूसरा न्यू एडजीवेंट और तीसरा एडजीवेंट प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरापी के अंदर क्या होता है कि प्राइमेरिली आप दवाइयां देते हो ठीक है तो ये कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाती है लाइक हीमेटोलॉजिकल कैंसर है और कुछ ऐसे कैंसर होते हैं सॉलिड ट्यूमर होते हैं जिनके लिए कोई अल्टरनेटिव कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता ओके ठीक हो गया तो इसके यूज़ क्या होते हैं इंडक्शन थेरापी के कि क्यूरेटिव होता है कैंसर के जो नेगेटिव सेप्टम कम हो जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है प्रोग्रेशन का टाइम बढ़ जाता होता है इसके बाद है न्यू एडजोवमेंट न्यू एडजोवमेंट के अंदर सबसे पहले आप करते क्या हो आप कीमोथेरापी पहले करते हो फिर इसके बाद सर्जरी करते हो कीमोथेरापी पहले इसलिए करते हो ताकि ट्यूमर का साइज कम हो जाए ताकि सर्जरी करना आसान हो जाए एडजोवेंट कीमोथेरापी के अंदर आप कीमोथेरापी और सर्जरी दोनों एट ए टाइम करते हो ताकि आप रिकरेंस रेट को मिनिमाइज कर सको और सर्वाइवल को इंप्रूव कर सको ओके okay. अब हम थोड़ा सा डोस लिमिटिंग या डिस्टिंक्टिव टॉक्सिटी पढ़ लेते हैं लाइक रीनल टॉक्सिटी होती है सिस्प्लेटिन की वजह से और मिथोड्रिगजेट की वजह से जबकि पलमोनरी टॉक्सिटी बिलियोमाइसिन की वजह से बुसलफिन की वजह से प्रोकार्बोजी की वजह से होती है कार्डिक टॉक्सिटी डॉक्सोरोबाइसिन और एंथ्रासाइक्लिन वगैरह से होती है न्यूरोलॉजिकल सिस्सप्लाटिन और विनक्रिस्टिन की वजह से होती है अमीनोसप्रेसिव साइक्लोफोसोमाइट और मिथोट्रोक्सिट की वजह से होती है अदर के लाइक लाइक हैमेजिकाइटस है वो साइक्लोफोसोमाइट की वजह से होता है ल्यूकेमिया प्रोकार्बोजीन की वजह से होता है पैनक्रियाटाइटिस एस्पराजीस की वजह से होता है कुछ ऐसी एंटी कैंसर ड्रग होती है जो कि बोन मैरो को सपेयर करती है मतलब माइलोसप्रेशन ही कराती है तो उसमें सिस प्लास्टीन है